आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा, जिसको जानकर आपको काफ़ी गर्व होगा। आपको पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अनेकों अत्याचार सहने के बाद में किस प्रकार वह संगठित हुए और किस प्रकार इस देश में योगी और साध्यों का सहयोग रहा है आम जनता को जगाने का। और आपको एक पता और चलेगा कि जिस जाति के नाम पर आजकल लड़ रहे हैं ना लोग, सभी जातियों ने, दुर्भाग्य से महाभारत काल के बाद में जातियां शुरू हो गई थी, तो सभी जातियों ने मिलकर किस प्रकार उन विदेशी अत्याचारी लुटेरों को इस देश से भगाया था। और उस समय आपस में कोई इतना भेदभाव नहीं करता था, यदि करता तो संगठित होकर लड़ते नहीं। देखिए दोस्तों, इस्लाम की नई नई स्थापना हुई थी धर्म की, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक लुटेरा था, आप जानते, आक्रांता था। तो हमेशा उनकी नज़र सबसे पहले सिंध पर रहती थी, उनका वैभव देखकर, उनकी धन दौलत देखकर, क्योंकि क्या था कि अरब में कबीलाई प्रकार के लोग रहते थे, तो उनकी इच्छा रहती थी, भूखमरी वहाँ पर ज़्यादा थी, चोर डकैती इस प्रकार के वे काम करते थे लुटेरेपंथी के, तो उनकी इच्छा होती थी कि हम किसी भी प्रकार से सिंध पर आक्रमण करें और वहाँ का खजाना लूटें और वहाँ पर कब्जा करें। अब जब इस्लाम की स्थापना हो गई तो उन्हें एक खुल्लम खुल्ला छूट मिल गई, एक ऐसा ईश्वर मिल गया जो उनको कहता था कि तुम इस्लाम के झंडे के नीचे सभी को ले आओ और सभी को तुम्हें मारने का हक है, यदि मुसलमान बन जाते तो छोड़ दो वरना सभी को मार दो, और उनकी स्त्रियों पर, बच्चों को, सबको मार दो, स्त्रियों को लूट ले जाओ, धन दौलत लूट, सबका अधिकार मतलब तुम्हारा है, तुम्हारा जो जी करे वो करो उनके साथ में। अब देखे दोस्तों, उन्होंने दूसरे देशों पर आक्रमण किया, इसी प्रकार वो सिंध की तरफ बढ़े। सिंध की तरफ, जैसे आप जानते भी होंगे, मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना भी होगा, मोहम्मद बिन कासिम अपने कुछ हज़ार सैनिकों के साथ में सिंध की तरफ जाता और वहाँ के राजा दाहिद थे, पहले वो एक दो बार हार चुका था, लेकिन इस बार उसने बौद्धों के साथ में साठगांठ कर ली थी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जो राजा दाहिर का सेनापति था वो भी बौद्ध ही था और वहाँ की मुख्य अधिकतर जनता बौद्ध थी। अब अचानक से जो हमला होता है तो जो सेना थी, सेना के हथियार गिरवा दिए जाते हैं, सेनापति जो बौद्ध थे, बौद्धों ने अपने हथियार गिर दिए, बौद्ध सैनिकों ने, और किसी ने भी राजा दाहिर का सहयोग नहीं किया। जो बाकी जो हिंदू सैनिक थे उनके साथ मिलकर राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया और मारे गए और वहाँ पर वो हार जाते हैं। हारने के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम और उनकी मुस्लिम सेना ने उस नगर पर आक्रमण कर दिया, जिसको जो मिला उसी को नोच नोच के वो लोग खा गए, महिलाओं को ले गए वहाँ बेच दिया ले जाकर, बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, युवा गुलाम बना लिया गया, और जो बौद्ध थे बौद्ध भी वहाँ पर अधिक मात्रा में मारे गए थे जिन्होंने गद्दारी की थी। कुछ ने धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान बन गए, वो उनकी प्रजा बन गए थे बौद्ध। तो इस प्रकार से तहस नहस सब कुछ हो गया। अब देखिए, इतना सब कुछ हुआ तो राजा दाहिर की एक छोटी रानी थी, वो जीवित बच गई थी, किसी गुप्त मार्ग के द्वारा वो वहाँ से चली गई थी, तो उसकी मानसिक हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी कि उसने, बेचारी ने अपने सामने ही अपने परिवार को, अपने नगर को उजड़ते हुए देखा था, इतना सबको अत्याचार देखा था कि उसके बाद में साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, साधारण कमज़ोर दिल का भी हो तो वो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो तो उसको सदमा तो लगना ही लगना होता है कि तेज सामने इतना सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार से ये सब कुछ चलता रहा तो हरित मुनि से उनकी मुलाकात होती है, हरित मुनि उनको संभालते हैं और अपने साथ में रखते हैं, और हरित जो मुनि थे उनके अंदर भी काफ़ी ये टीस थी कि हमारे देश पर किस प्रकार से इन अरबों ने आक्रमण किया। अब हरित मुनि गांव-गांव जाकर लोगों को जगाते हैं, समझाते हैं, किसानों के पास में जाते हैं, उसमें हर जाति के व्यक्ति थे। आज जिस जाति को नाम को लेकर कुछ दुष्ट लोग लड़ते हैं, जैसे भीम आर्मी वाले या अलग अलग जो जाति का नाम लेकर जो लड़ते हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उस समय प्रत्येक जाति ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया, प्रत्येक किसानों ने, हर किसान ने अपने युवा बच्चे हरित मुनि के हवाले सौंप देते। हरित मुनि हर गांव में उनसे एक ही बात कहते थे कि अब तुम खूब दूध घी खाओ, पहलवानी करो, खूब हट्टे कट्टे हो जाओ और खूब ताकत अपने शरीर में बनाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, और जब जरूरत पड़ेगी, जब हम इतनी ताकत इकट्ठी कर लेंगे तब मैं संदेश भेजूंगा और तुम सब इकट्ठे हो जाना। तो हरित मुनि गांव-गांव घूमते रहे, नगर नगर घूमते रहे, प्रत्येक किसान के बच्चों को, आज भी आप देखेंगे हमारे देश की जो सेना है इसमें किसान के बच्चे ही अधिक मात्रा में गांवों के ही आपको मिलेंगे, शहरों के भी हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं उनके भी आपको मिलेंगे, लेकिन किसानों के बच्चे आपको सेना में अधिक मिलेंगे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना सबसे अधिक होती है। हमारे देश का जो आम नागरिक किसान है उसके अंदर जो देशभक्ति और धर्म के प्रति जो भावना है वो सबसे अधिक और सबसे मजबूत है, और अगली क्रांति में भी इन्हीं का ही बहुत बड़ा योगदान होगा भविष्य में।
तो इस प्रकार से वो घूमते 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 बहुत युवा इकट्ठे कर लेते हैं। अब उनको आवश्यकता पड़ती है एक सेनापति की। अब यहाँ पर रोल देखना, मैं जब इस इतिहास को पढ़ रहा था साल दो साल पहले जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में आचार्य चाणक्य थे उनका चित्र आ जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का आ जाता है। अब आप आगे देखना, अब उनको एक सेनापति की आवश्यकता पड़ती है कि कोई मुझे एक ऐसा सेनापति मिले जो कि इस भार को संभाल सके, जो कि वीर भी हो और पैदाइशी वीर होना जरूरी है, जिसके अंदर क्षत्रिय भाव कूट कूट का भरा हो। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, निकल पड़ते हैं रेगिस्तान की तरफ। रेगिस्तान में काफ़ी दूर तक निकलने के बाद में एक पहाड़ी के किनारे पर उनको कुछ भील दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे भील इकट्ठा हो रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ वो चर्चा कर रहे होते हैं। तब साधु वहाँ पर पहुँचता है और भील चर्चा कर, क्योंकि वो राजपूत, तो उस समय देखिए राजपूत राजा जो थे विलासिता के घोर अंधकार में छाए हुए थे। दारू पीनी, मदिरा पान करना, ये सब उनके जीवन में था। वैश्याओं के इर्द गिर्द घूमना, नाच वाच देखना, इस प्रकार से उन्होंने पूरी संस्कृति पूरे देश को तबाह करने का ठेका ले लिया था। उनकी आंखें तब भी नहीं खुली थी जब राजा दाहिर पर इतना आक्रमण हुआ था। यदि उनसे कोई कहता तुमने क्यों नहीं कुछ किया, तो कहते हम दूसरे के पंगे में क्यों हाथ अड़ाएं, हम अपने हाथ क्यों जलाएं। वो सोचते थे कि जो रेगिस्तान का इलाका है सिंध का राजस्थान के बीच का, अरब इसको कभी पार नहीं कर पाएंगे। वो ये चीज़ भूल गए थे कि बौद्ध अभी भी उनके साथ में हैं, जिनके पास में पूरा नक्शा है, जो कि पूरा नक्शा बता रहे हैं कि किस प्रकार वो राजस्थान में जाएंगे। तो वहाँ तक ये हालात पैदा हो गए थे, इतनी विलासिता में घुस गए थे। अब देखिए जब हरित मुनि वहाँ पहुँचते हैं भीलों के पास में, तब वहाँ पे एक युवा था बप्पा रावल, जिसके माता पिता का किसी को पता नहीं था, भीलों को वो जंगल में ही मिला था। तो पाल पूछ कर बड़ा क्या, लेकिन बप्पा रावल सबसे ही अधिक मजबूत और तगड़ा और काफ़ी बलिष्ठ युवा था। तब वो उसको अपना सरदार घोषित कर देते हैं कि हम बप्पा रावल को अपना सरदार बनाएंगे। तब हरित मुनि की जब उस पर नज़र पड़ती है बप्पा रावल पर, तो हरित मुनि पहचान जाते हैं कि यही वो युवा है जो कि लाखों की आम नागरिक सेना का जो सेनापति बनने के लायक है। तब हरित मुनि उन भीलों के पास में जाते हैं और भीलों से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये युवा चाहिए, मुझे तुम्हारा ये युवा चाहिए जो देश की आबरू इज्जत बचा सकता है, मैं इसे राजा बनाऊंगा। और उस समय साधु संतों का बहुत सम्मान किया जाता था, आज की तरह इतने फ्रॉड नहीं थे। तो भील काफ़ी गंभीरता से उनको सुनते हैं और उनका व्यक्तित्व भी जो था काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व था। किनका? हरित मुनि का। हरित मुनि का भी प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और देखिए जो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है और सामने वाला व्यक्ति उनसे काफ़ी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तब वो राजी हो जाते हैं, हरित मुनि उनको मना लेते हैं, राजी हो जाते हैं कि बप्पा रावल को उनके साथ में भेज दिया जाए। बप्पा रावल को उनके साथ में भेजते हैं और फिर वो चल पड़ते हैं वापिस। तो रस्ते में उनको मेवाड़ के राजा मान मिलते हैं। वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि उनके अंदर देश, क्योंकि वही एक राजा बचे थे जो कि मतलब जिनके अंदर देशभक्ति की भावना कुछ बची हुई थी, जो कि छटपटा रहे थे कि किस प्रकार से सिंध को लूटा गया। तो इस प्रकार से हरिमुनि मुनि की उनके साथ में भेंट होती है। हरिमुनि पूछते हैं कि आप इतने चिंतित क्यों हो और आप कौन हो? तो बोलते हैं कि मैं मेवाड़ का राजा मान हूँ। तो बोलते हैं आप राजा हो तो यहाँ पर इतना चिंतित क्यों हो? तो कहते हैं चिंता होने का तो विषय है ही, क्योंकि अब हमारी बर्बादी का समय आ गया है। मैंने बहुत से राजाओं को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो अपनी विलासिता से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? मैं अपनी थोड़ी सी सेना लेकर अरबों का मुकाबला नहीं कर सकता। और राजा मान को ये भी पता चल जाता है कि अरब से एक सेनापति था सलीम, वो वहां से लाखों की सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, क्योंकि उन्होंने सिंध का इलाका तो जीत लिया था। वो चाहते थे किसी भी प्रकार से हम अब राजस्थान में घुसे और फिर आगे और पूरे भारत में फैल जाएं। उसको पता चल जाता है अपने गुप्तचरों के द्वारा, लेकिन वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं पीछे तो हट नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति भावना थी। वो समझता था कि यदि यहाँ पे भी आएंगे यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जाएगा। राजा मान समझता था, जानता था, वो कहता भी हरित मुनि कि यहाँ पे भी मंदिरों को तोड़ा जाएगा, इसी प्रकार स्त्रियों की इज्जत लूटी जाएगी, छोटे बच्चों को मारा जाएगा, बूढ़ों को मारा जाएगा, जवानों को गुलाम बनाया जाएगा, स्त्रियों को उनकी मंडी में जाकर बेचा जाएगा, इस तरीके से वो अत्याचार यहाँ पर आकर करेंगे। तब जो हरित मुनि थे वो उसको कहते हैं तुम इससे बेनिश्चिंत रहो, अब हम सब मैंने गाँव जाकर इतने युवा इकट्ठे कर लिए लाखों की संख्या में कि वो देश के लिए मर मिटने के लिए हर पल तैयार खड़े हैं, बस मुझे एक आदेश उनको देना है बस। और वो कहते हैं कि भीलों की भी 10,000 से ऊपर के जो भील हैं, उन जो धनुर्धारी हैं, जिनका अचूक निशाना होता है, स्टिक निशाना होता है, वो भी हमारे साथ अब शामिल हो चुके हैं। तब हरित मुनि राजा मानसा कहते हैं कि क्या आपके नगर में कोई आपके विश्वास पात्र नहीं है?
कोई भी ऐसा विश्वास पात्र नहीं है जो कि आपकी आप जिस पर पूरा विश्वास कर सको। तो वो राजा मान कहते हैं कि मेरे दो सेनापति हैं, दो सेना अध्यक्ष हैं जिन पर मैं पूरा विश्वास कर सकता हूँ, और वो पूरे निष्ठावान और देशभक्त हैं और राज के लिए मरने के लिए कटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देश के लिए मातृभूमि के लिए। तब कहते हैं ठीक है, जाओ उनके साथ में विचार विमर्श करो और जो अपने सेना है हथियार है उनकी तैयारी शुरू करो। तब हरित मुनि गांव-गांव संदेश भिजवा देते हैं, प्रत्येक गांव में संदेश भिजवा देते हैं कि हाँ हमें आवश्यकता है, और मेवाड़ में चित्तौड़ में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं सभी युवा। लाखों की संख्या में हजारों के झुंड गांव से युवाओं के आते हैं, सभी अपने साथ में भोजन आदि सब कुछ लेकर आते हैं और वहाँ पर उनको हथियारों का प्रबंध राजा मान करवाते हैं, और वहाँ पर उनके साथ में हथियारों का प्रबंध होता है और सेनापति बप्पा रावल को बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो आपने एक हिस्सा तो ये जान लिया, अब मैं इसका एक विपरीत अलग हिस्सा और बताता हूँ। जब सिंध पर आक्रमण हुआ था तो उस समय उसी राज्य में कुछ योद्धा थे जो बच गए थे, उनमें से एक योद्धा का नाम था मंगलदेव, जो कि अपने साथ अपने शिष्य भी उनके साथ में रहा करते थे, वो भी काफ़ी बड़े बड़े योद्धा थे। तो वो भी यही कार्य कर रहे थे, गांव-गांव जाना और लोगों को जगाना, किसानों को जगाना और उन युवाओं को इकट्ठे करना, और उनके साथ में काफ़ी सारे जो बोध थे उनको भी उन्होंने जगाने का प्रयास किया। तो काफ़ी सारे बोध युवाओं को भी उन्होंने जगाया और अंदर तक उनको झकोर मतलब कि अंदर तक उनके अंदर देशभक्ति की भावना बिठा दी, और काफ़ी युवा उन्होंने भी लगभग 10,000 के आसपास सेना अपनी बना ली थी। और जब सलीम जो था अरब से जब आता है तो सलीम अपने साथ में अपनी बेटी मिहा थी उसकी बेटी का नाम, उसको भी अपने साथ में लेकर आता है। जिस प्रकार जो सिकंदर का एक मुख्य सेनाध्यक्ष था उसका नाम था सेल्यूकस, वो अपनी बेटी हेलेना को लेकर आता है, इसी प्रकार सलीम भी लेकर आता है, लाखों की सेना लेकर आता है, और वो भी लाखों की सेना लेकर आता है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था वो भी लेकर आता है अपनी सेना को। तो इसी प्रकार से वो जो अपनी सेना को लेकर आ रहा होता है तो बीच में जो आचार्य थे पहाड़ियों पर, पहाड़ियों के द्वारा वो छुपकर रात के समय जो छापामार युद्ध होता है ना, गुरिल्ला जिसको बोलते हैं, उस तरीके से आक्रमण करते हैं। रास्ते में जितने भी मतलब पानी के स्रोत थे, कुएं थे, झरने थे, उन सभी में विष मिला दिया जाता है। जब वो पीते हैं, अरब के जो सेना है वो पीती है उस पानी को, तो वो मरते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 2,000-3,000 उनके सैनिक मार दिए थे अरब वालों के। तो इसी प्रकार छिपकर वो युद्ध करते रहे तो 8,000-9,000 सैनिकों को आराम से वो धराशायी कर देते हैं, उनको जन्नत में पहुंचा देते हैं। अब जो सिंध का इलाका था और राजस्थान का इलाका था, बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर उनकी भिड़ंत होनी तय हो जाती है। तब वो भी वहीं पर ही छुप जाते हैं कि अब हम यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे क्या होता है आगे। अब दोनों की दोनों सेना आमने सामने होती हैं। सलीम जो था, सलीम ने अपने जो गुप्तचर थे वो राजस्थान की तरफ भेजे हुए थे कि आप हमें बताना कि किस तरीके से जो आक्रमण होने वाला है या फिर कुछ भी इस तरीके जो भी भनक आप हमें बताना। तो जो मंगलदेव जो आचार्य थे उन्होंने, उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने भी जगह जगह अपने जो 2,000-2,000-3,000-3,000 करके अपने गुप्तचर अपने सैनिक बिठा दिए थे चप्पे चप्पे पर, तो किसी भी गुप्तचर को उन्होंने आने नहीं दिया था। काफ़ी सारे सैकड़ों की संख्या में सलीम के जो अरब वाले गुप्तचर थे उनको कैद कर लिया गया था, जिससे कि सलीम तक वो खबर ही नहीं पहुंच पाई कि भारत से भी राजस्थान से 1,00,000 युवाओं की फौज एक साधु के नेतृत्व में चली आ रही है उनसे सामना करने के लिए। जब वो बिल्कुल आमने सामने पहुंच जाते हैं, जब सलीम को पता चलता है कि ये कोई नई सेना आई है और हमसे लड़ने के लिए, तब भी वो इतना घमंडी था, सोचता है तो काफिरों की सेना है, बुजदिलों की सेना है, ये भला हमको कैसे जीत पाएगी, आज तक हम हिंदुओं गाजर मूली की तरह काटते हैं, इनको भी हम चुटकियों में मार देंगे। सलीम की सेना में भी 1,00,000 के आसपास थे, जिसमें से कि 10,000 को तो आचार्य मंगलदेव ही सुला चुके थे, लगभग 90,000 के आसपास सैनिक बचे थे अब सलीम की सेना में। और हमारी सेना में अब आप देखिए जो हरित मुनि थे जो सेना लेकर आ रहे थे उस सेना के अंदर 1,00,000 से ऊपर सैनिक थे, लेकिन सारे के सारे कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, उनको एक दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, तुरंत ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन हाँ सभी के अंदर देशभक्ति की मरने की मिटने की भावना थी और सभी ही किसान के बेटे थे और किसान मतलब कि खेती बाड़ी करते थे और शरीर शारीरिक मेहनत करते थे, मजबूत थे, ताकत थी उनमें, लेकिन सबसे बड़ी आग उनके अंदर वो थी कि हमने अपने देश की रक्षा करनी है और इस देश को गुलाम होने से बचाना है, अपने गांवों को मिटने से बचाना है, क्योंकि यदि उन्होंने थोड़ी भी लापरवाही की तो उनके गांव के गांव, उनके परिवार के परिवार, रिश्तेदार के रिश्तेदार सब कुछ तबाह हो जाएंगे। तो उनके आगे तो सिर्फ अपने देश की सुरक्षा का संबंध था और जो सलीम की सेना थी उनके आगे मकसद था कि हमने इस देश को लूटना है, पीटना, काटना है और मारना खाना है, यहां से लूट कर सब कुछ लेकर जाना है, सब कुछ लेकर जाना है। अब दोनों सेनाओं की भिड़ंत हो जाती है
25,000 सैनिकों को पीछे की तरफ रखा जाता है। सलीम जो बप्पा रावल थे 25,000 सैनिकों को अपने पीछे की तरफ रखते हैं ताकि जब हमारे सैनिक जब लड़ते लड़ते उनका दम फूलने लगे तो अचानक से 25,000 सैनिक हमला करके उनको धराशायी कर दें। हमला शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से काफ़ी भिड़ंत होती है। जो अरब थे, अरब के जो योद्धा थे वो भी काफ़ी ताकतवर और मजबूत थे और लड़ाकू योद्धा थे, लड़ाकू जाति थी वो भी, तो दोनों तरफ से खूब भिड़ंत हो जाती है। लेकिन हमारी क्या था कि हम रक्षात्मक थे, हमें सिर्फ अपने देश को बचाना था। और सत्य का हमेशा विजयी होता है, सत्य कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अब जो हमारे देश के युवा थे वो उन अरब के सैनिकों पर भारी पड़ने लग जाते हैं और उनको गाजर मूली की तरह काटते चले जाते हैं, उनकी बिखेर देते हैं, उनकी सेना की जितनी भी पंक्तियाँ थी सब छिन भिन कर देते हैं हमारे देश की सेना। जब थकते थकते हारते हारते दम फूलने लगता है तो सलीम भी अपने पीछे से जो ऊँटों की सेना थी पीछे रखी हुई थी उसने, तो वो भी आगे की तरफ भेज देता है। उसको भेजने के बाद में काफ़ी हड़कंप मच जाता है अपनी सेना के अंदर और फिर जो नया दम साधे 25,000 सैनिक पीछे छोड़ रखे थे जो कि बिल्कुल ताज़ा दम थे वो उनको हमले के लिए कहा जाता है। तब वो घोड़ों की गर्दन काटते, पैर काटते और उनके ऊपर सवार और गर्दन काटते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब सलीम सोचने मजबूर होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हम काफिरों के हाथों हारे जाएंगे, क्या काफिर हमारे को हरा देंगे। आज तक हम इस देश को लूटते आए हैं, सिंध को हमने तबाह कर दिया, उसके बाद में गाँव के गाँव हमने लूटे हैं और क्या ये हमारे को हरा देंगे। सलीम चकरा जाता है, उसके सामने ही उसकी मात्र 20,000 से 30,000 सेना बचती है। जितने सैनिक हमारी सेना के मरे थे उससे ज़्यादा दुगने उसके प्रशिक्षित सैनिक मारे गए क्योंकि वो पाप की तरफ थे और वो सिर्फ लूटना जानते थे और हरम सिर्फ रक्षा करना, हमें अपने देश की रक्षा करनी थी, इस तरीके से वो जानते थे हमारे देश की सेना। तो सलीम संधि करने मजबूर हो जाता है और वो अपने के एक सैनिक को कहता है कि तुम ये सफ़ेद ध्वज लो, सफ़ेद रंग का झंडा लो, उठाओ और बप्पा रावल के पास जाओ और उससे कहो कि हम संधि करना चाहते हैं। बप्पा रावल के पास वो झंडा लेके पहुँचता है और बप्पा रावल उसकी बात सुनता है, कहता है ठीक है जिसको संधि करनी है आप अपने मुख्य गंभीर व्यक्ति को भेजिए, अपने सेनापति को भेजिए सलीम को, जो कि यदि संधि करने का इच्छुक है तो सलीम आता है संधि करने के लिए। तो अब बप्पा रावल संधि का विषय हरित मुनि पर छोड़ देते हैं। अब हरित मुनि कहते हैं कि हम आपसे संधि नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं हमने आपको युद्ध से पहले कहा भी था, क्यों इन लाखों युवाओं की आप मौत का अपने सर पर पाप भोग रहे हो, इतने युवा मरेंगे, इतने व्यक्ति मरेंगे, इतने माता पिता विलाप करेंगे, इतना सब कुछ होगा, क्यों इतने हत्याओं के जिम्मेदार बन रहे हो, हम तुम्हें हमारा जो है कभी तुम्हारे साथ और वालों के साथ दुश्मन ही नहीं रही है, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम इस देश को लूटने क्यों आए, लेकिन तुमने नहीं माना, तुमने कहा कि हम इस्लाम तुम्हें स्वीकार करवाएंगे और इस्लाम का झंडा यहाँ बुलंद करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अब इसके बाद में हरित मुनि कहते हैं कि तुमने सिकंदर का इतिहास पढ़ा था सलीम से, सलीम कहता है हाँ मैंने पढ़ा था। अब सिकंदर ने अपना एक सेनापति था सेल्यूकस, तो उसके साथ में वो भी अपनी बेटी को लेकर आया था हेलना को और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था। हराने के बाद में आचार्य चाणक्य ने हेलना के साथ में संधि के लिए चंद्रगुप्त का विवाह करवाया था, तभी पूरी मित्रता बन पाई थी, तभी वो आश्वस्त हुए थे कि हाँ तुम दोबारा हमला नहीं करोगे। इसी प्रकार हरित मुनि ने उनको कहा कि अब तुम्हें अपनी बेटी जो मिहा अपने साथ में लेकर आयो इसका विवाह बप्पा रावल के साथ में करवाना है, तभी हमारी और तुम्हारी मित्रता बनेगी। अब यह बात सुनकर सलीम खून का घूंट पी कर रह जाता है, सोचता है यदि युद्ध का क्षेत्र नहीं होता तो मैं कुछ कहता भी, लेकिन फिर सोचता है यदि मैंने हाँ नहीं भरी तो मेरे 20,000 से 30,000 जो सैनिक हैं ये मारे जाएंगे, यदि ये बच गए तो मैं किसी और देश को लूट लूँगा। इस तरीके का भूचाल उसके दिमाग में मच रहे होंगे। आखिर में उसको राजी होना पड़ता है और अपनी बेटी मियाँ का विवाह बप्पा रावल के साथ में करना पड़ता है और बप्पा रावल फिर एक सम्राट बनते हैं। और आप उनका इतिहास पढ़ना, आपको पता चलेगा दूर दूर के क्षेत्र वो जीतते हैं, इराक, अफगानिस्तान के आसपास के काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र वो जीत जाते हैं और उनके समय काल में भी कोई मुस्लिम आक्रमण दोबारा से इस देश पर नहीं होता है। लगभग 150 से 200 साल तक, 150 साल के आसपास तक या 200 साल तक दोबारा इस देश पर आक्रमण नहीं होता है और सब कुछ शांति से चलता है। आपने देखा इसमें आपको कुछ समझ में आई बात कि जातियों ने, अलग अलग जातियों ने, जैसे कि उस समय गुज्जर थे और दूसरे क्षत्रिय थे, मतलब हर किसी ने बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हुए थे, जो लोहार थे, खाती थे, सब ने इसमें शामिल हुए थे, हर कोई। कोई हथियार बनाने लग गया था, कोई भोजन की व्यवस्था बना रहा था, कोई अस्तबल वाला पशुओं की देखभाल कर रहा था, मतलब सभी ने बढ़ चढ़ कर हमला इसमें शामिल हुए थे।
तो मैं आज भी यही बात कहूँगा कि जो मेरे हिंदू भाई हैं, सभी ये जो जातियाँ हैं ना भाई, जातियों को दूर रखो यार, ये जातियाँ तुम्हारे को विनाश की तरफ धकेल रही हैं। आप देख रहे हो इस समय देश में कितने सारे गद्दार, कितने देशद्रोही किस्म के कुकुर मुत्ते निकल रहे हैं, जो कि विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं और इस देश में वो चीज़ थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि इस देश में जब तक गाँव है ना, जब तक किसान है, तब तक एक उम्मीद बची रहेगी इस देश को बचाने की। क्योंकि शहरों के अंदर तो वैसे भी एकजुटता नहीं है, लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आज किसी गांव में यदि कोई मुस्लिम हमला कर दे तो पूरा पूरा गांव इकट्ठा होकर उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन आज शहरों के अंदर, नोएडा में आपने देखा था किस प्रकार से मुस्लिमों ने चारों तरफ से घेर लिया था सभी को। उन फ्लैटों के अंदर इतने हिंदू रहते थे जितने कि वहाँ पर चारों तरफ मुस्लिम भी नहीं इकट्ठा कर पाए थे उसको, लेकिन फिर भी उनकी एकता इतनी नहीं बना सके वो कि उनसे आमना सामना कर सके। यही काम यदि किसी गांव में किसी ऐसी जगह हुआ होता तो उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख देते। तो यही कहूँगा भाई, जातियों मत बटो, एकता बनाओ, आपस में संपर्क का रखा करो। आप चाहे किसी भी जाति के हो, जातियों को दूर रखो, आप सिर्फ एक से समझो कि आप सभी हिंदू आर्य हो और अपनी ताकत आपको बनाए रखनी है, आपस में भाईचारा बनाए रखना है। मुसीबत के समय में तुरंत फ़ोन मिलाओ एक दूसरे का, तुरंत अपनी टीमों को बुलाओ, तुरंत एक्शन लो, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आपको करनी है। हमारे देश की सेना जो सुरक्षा कर रही है, सीमा पर सुरक्षा कर रही है, और आपको और हमें अपने अंदर से सुरक्षा करनी है, अंदर से अपने भाइयों को बंधुओं को जागरूक करना है। इतिहास पढ़ा करो, सही इतिहास पढ़ा करो। ये जो वामन मेसराम जैसे लोग हैं ना, जो उल्टा सुलटा इतिहास पढ़ाते हैं, उनको जानकारी मत लिया करो यार। उनका देखिए, जिस व्यक्ति का मकसद देश को तोड़ना होता है तो देश तोड़ने के ही इतिहास बताएगा, गलत इतिहास बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा। और जिसको देश जोड़ना होता है, अपने भाई बंधुओं को जो प्रेम भाव करता है, वो व्यक्ति सही इतिहास पढ़ने का प्रयास करेगा, सही जानकारी लेगा, आपको सही इतिहास ही मिलेगा आप पढ़ेंगे तो। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक जिन भाइयों ने देखा, जिसने भी देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आपने आखिर तक ये वीडियो देखी है और आपके अंदर ये लगन है कि आप इस देश को बचा सकें। चाहे आप आखिर तक वीडियो देखने वाले थोड़े से ही व्यक्ति क्यों ना रहे हों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी सबको मिले। इसी में ही मैं सिंध के जो अभी आपको जो मैंने मंगलदेव आचार्य जी के बारे में बताया था, उसी के रूप में मैं आपको और भी कुछ एक छोटी सी घटना आगे बताऊँगा अगली वीडियो में। बताऊँगा किस प्रकार से, कैसे टुकड़ियों को, जो अरब की टुकड़ियां थी, अलग अलग झुंड के झुंड वो आक्रमण करते थे, किस प्रकार से उनको तबाह किया था उन्होंने। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते किसी और नई वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।